मुख समझ, भोग विलासों को ही मुख समझ, संसार को भोगने की प्रवृत्ति। भोक्ता रम्य गितप्साम सर्वलोक महेश्वरम, ये अनंत ब्रह्मांडों के भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण हैं। भगवान कह रहे हैं भोक्ता रम्य यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। नहीं, हम भगवान की शरण में रह करके, भगवान के चरणों में रह करके हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं। भगवान से अलग होकर के तो हम संसार के भोगों में, काम वासनाओं में ही उतरेंगे। फिर काम क्रोध मद मोह नाथ नरक के पंथ, फिर ये नरक में ले जाने वाले ही सिद्ध होते हैं जितने भोग विलास हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम। पायस एक्टिविटीज करते करते, पूर्ण धर्म करते करते, दया धर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते, परोपकार करते करते, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं पूरी तरह से, पापों का फल आना बंद हो गया है, ऐसे व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं और मुझे, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो पाते हैं, इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्व से मुक्त हो पाते हैं। उनके हृदय में इच्छा की जगह मेरी सेवा और द्वेष की जगह मेरा प्रेम उनके हृदय में भर जाता है। तेसाम द्वंद्वगत तेसाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, ऐसे ही व्यक्ति जिनके पाप, पापों का फल आता बंद हो गया, यानी पाप पूर्णतया जल गए हैं, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्व से परे होते हैं। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, और ये द्वंद इच्छा द्वेष से जो परे हो गए हैं, भजन्ति माम दृढ़व्रता, तो फिर व्यक्ति मुझे दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प लेकर के कि बहुत हो गया, बार बार इस संसार का भोग किया है, इस बार नहीं करूंगा। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, हे माधव बहुत जन्मों से हम आपसे दूर रहे, आपको भूल गए, इस संसार में पाप को अपना लिया, विषय भोगों को अपना लिया, वैमनुष्यता को धारण कर लिया, अभी इस जन्म में हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरी शरण लेता है और दृढ़ व्रत लेकर के मेरा भजन करता है, मुझे पाने की, मेरे धाम में आने की कोशिश करता है, इस संसार के जन्म मरण जरा व्याधि से छूटने के लिए प्रयत्न करता है और छूट जाता है। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, द्वे द्वंद्वों से परे हो जाता है। फिर उसके हृदय में मेरी प्रेम भरी सेवा और मेरा प्रेम समाहित हो जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है जो दृढ़ व्रत लेकर के मेरा भजन करता है। ये भगवान कह रहे हैं एसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद् विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। फिर भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति मेरे आश्रय में रह करके, मेरी शरण में रह करके जन्म जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, ये जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु,
इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रय में आते हैं, मेरी शरण में आते हैं और यतंती प्रयत्न करते हैं मुझे प्रसन्न करने का, मुझे रिझाने के लिए, मेरी सेवा करके, मुझे पुष्प अर्पण करके, मेरा भजन करके, मेरा कीर्तन करके, मेरा नाम का जप करके नाचते हैं, मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामने मीरा ने घुंघरू बांध लिए थे भगवान को रिझाने के लिए, घुंघरू खरीद लिए थे चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बाजार में से, बांध लिए पांव में, नाचती थी, राजकुमारी थी, पटरानी थी चित्तौड़गढ़ की, राजकुमारी थी उदयपुर की, पटरानी थी, पांव में घुंघरू बांध लिए थे वो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, नाचती थी, गाती थी, हंसती थी पागलों की तरह, रोती थी जैसे सब लुट गया, सब छूट गया, कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई, छान गई कुल की कहानी कहा करेगा कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अश्वन जल सींच सींच भक्ति बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई, अब तो प्रभु मुझे अपना लो, अपनी दुल्हन की तरह आ जाओ, भर दो मेरी मांग में सिंदूर, मीरा बाई ने बांध लिए थे घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हंसी रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हंसी रे, भगवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए विष क्या करेगा, समाज का अपमान क्या करेगा, उनको मान सम्मान की परवाह नहीं रहती, विषपान भी कर जाते हैं। कौन संत है जिसने संसार का विषपान नहीं किया, संसार ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको जहर दिया, उनको मारा, कत्ल किया, फांसी दी, जीसस को फांसी, मंसूर के हाथ पांव काटे, फांसी पर लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, मीरा को जहर पिला दिया, बुद्ध भगवान को मारने की चेष्टा की, गुरु नानक देव जी के ऊपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए, उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चट्टान को रोका, शक्तिवान थे, शक्तिवान है, क्योंकि भगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान है, जो पवित्र परम पवित्र है वो शक्तिवान है, पवित्रता में शक्ति होती है, जरा मरण मोक्ष आए, तो ये जहर सब को पीना पड़ता है, और संसार के पास है क्या, जहर ही तो है, जिसके पास जो होगा वही तो पिलाएगा, अमृत तो मिलता है महापुरुषों के पास, शुद्ध भक्तों के पास,
संसार के पास कहां मिलेगा? संसार के पास मिलेंगी बीड़ी सिगरेट, शराब, गांजा भांग, तंबाकू, मांस मटन बीफ, ब्लड, जुआ ताश के पत्ते और चमड़े का व्यापार, ये सब जहर है। तो संसार देगा क्या? इच्छा द्वेष, वो अपने को राजा घोषित करने के लिए, बड़ा घोषित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तलवार लेके आ जाएगा। रावण राम के सामने आ गया, हिरण्यकश्यप भी आ गया भगवान को तलवार लेकर के, खड़ग ले ली हाथ में, खड़ग निकाल ली जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, लेकिन भगवान के आगे उसकी खड़ग क्या करेगी? लिंग्स करेंगे क्या ये बेचारे? करेंगे क्या संसार वाले? इनके पास जहर ही तो है, तो जहर ही पिलाएंगे, तो संतों को मारेंगे, गाली देंगे, झूठे लांछन लगाएंगे, काला मुंह कर देंगे, गधे पे निकाल देंगे बिठा के, क्योंकि संत अमृत पिलाना चाहता है, अमृत इनको भाता नहीं। जैसे गधे को कोई घी पिलाए और गधा कहे कि क्या करते हो, मेरी गर्दन क्यों तोड़ रहे हो, ऐसा ही हाल है, तो फिर गधा दुलत्ती मारेगा, नकारेगा अमृत पीने से। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रय में रह करके, भगवान का आश्रय यानी भगवान की शरण, भगवान की शरण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाके माथा टेके, प्रणाम करे, गुरु रूप से स्वीकार करे, तो भगवान की शरण मानी जाती है। भगवान की शरण डायरेक्ट नहीं मिलती, शास्त्रों में मना किया है, भगवान के किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाने से ही भगवान की शरण मिलती है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती। इसलिए भगवान स्वयं गुरु बनाने की शिक्षा देते हैं, गुरु बनाए। कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में गए शिक्षा लेने, बेशक उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त करी, उनके पास तो कलाओं का भंडार पहले से ही है, उनको जरूरत नहीं, लेकिन शिक्षा देने के लिए समाज में 64 दिन में 64 कला कोई प्राप्त कर सकता है? यह भी इशारा किया भगवान ने। भगवान ने इस धराधाम पर जब थे, प्रकट हुए, तो सभी ऐसी लीलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवों से, ब्रह्मा जी से सबसे एक एक हाथ ऊपर थी, उससे ज्यादा नहीं। वो चाहे तो हजारों मील ऊपर कर दे, लेकिन नहीं, एक एक हाथ ऊपर, समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूं, लेकिन देखो मैं भी तो गुरु बना रहा हूं, चाहे 64 दिन के लिए ही सही, 64 कलाओं के लिए सही। राम के भी गुरु थे, गुरु बिन गति नहीं होती, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन अहंकार कौन काटेगा तुम्हारा? कोई कहता है शिरडी के साईं बाबा मेरे गुरु जी हैं, मैं कहता हूं तुम अभी 40 वर्ष के हो, शिरडी के साईं बाबा को 100 वर्ष से ऊपर हो गए, वो तुम्हारे गुरु कब बन गए? बोलो महाराज हमने गुरु मान रखा है उनको। अच्छा चलो ठीक है, गुरु मान रखा है, फिर गुरु जी ने गुरु मान रखा है, तो गुरु एक पवित्र भक्त होता है भगवान का, तो उसकी पवित्रता तुम्हें भी तो, तुम्हारे ऊपर भी तो उतरनी चाहिए। तुम तो शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, दुनिया को सता रहे हो, तुम कैसे उनके शिष्य हो गए? शिष्य का धर्म है कि वो भगवान की शरण में रहे, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करे।
पवित्रता को अपनाएं, गंदगी को साफ करें, धर्म को अपनाएं, अधर्म को नष्ट करें। तो लोगों ने ऐसी धारणा कर रखी है कि हम तो मानते हैं शिरडी के साईं बाबा, कोई बोलता हम जलाराम बापू को मानते हैं, तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है, तो कोई बोलता हम गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण जी जगत गुरु महाराज उनके चरणों में, तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने गीता बोली है अपने शिष्य के लिए, तो शिष्य बनो अर्जुन की तरह, तो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस का पालन करो, उनके आदेशों का पालन करो, उनकी शिक्षा को स्वीकार करो। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रय में रह करके जो जरा मरण से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रय में रहना चाहिए, मेरी शरण में रहना चाहिए, मेरी शरण में रह करके मेरा भजन करना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मुझसे प्रेम करना चाहिए, मेरी चरण स्पर्श करनी चाहिए, मेरी शरण में रहना चाहिए, मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे, कुछ निवेदन करना है मुझसे करे। मावा श्रुति यतंती है जरा मरण मोक्षाय, इस जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जन्म बार बार मरण, इससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में रह करके यत्न करना चाहिए, मेरी शरण में रह करके ये जरा और मरण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, यानी मेरे भजन करनी चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा नाम जप करना चाहिए, मेरा कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए, यत करोसि यदश नासी यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। अरे कुंती के नंदन अर्जुन, जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है वो सब मेरे लिए कर, तेरी सारी दिनचर्या मेरे लिए होनी चाहिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए कर। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी, कुछ आहुति देता है स्वा मेरे मेरे लिए कर, वासुदेव यज्ञ कर। लोग देवताओं के